इस तरफ जो खेत नजर आ रहे हैं पाकिस्तान के खेत है या अपने इंडिया के खेत? पाकिस्तान के। हाँ, वो आगे जीरो लाइन है। जीरो लाइन? हाँ, जीरो लाइन है, जीरो लाइन से आगे। अच्छा, एक बार दरगाह का नाम बता दीजिए फिर से हमारे जो देखने वालों को। हाँ, ये पीर बाबा की दरगाह है, शेख बरम। शेख बरम पीर बाबा की दरगाह है। तो इस तरफ जो पेंचिंग नजर आ रही है आपको, इस तरफ पाकिस्तान है, जो सामने जूमिंग करके बता रहे हैं आपको, उस तरफ जो पाकिस्तान है और दरगाह शरीफ भी उसी तरफ है। ये देखिए इस तरफ से। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। मदाब जो आज बहुत खास वीडियो बताने वाले, पाकिस्तान की बॉर्डर के ऊपर जो दरगाह शरीफ है, माशाल्लाह 3 दिन से हम इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जुमेरात के दिन जो स्टार्ट रहती है वहाँ और संडे के दिन। तो माशाल्लाह देखिए, हमारे साथ जो गफ्फार भाई भी है, अरबाज ब्लॉक है, उसके बाद में शहजाद भाई और हमारे इमाम साहब जो जामा मस्जिद तरन तारन, लोग तैयार हो गए। हमारे गफ्फार भाई भी आ गए, अरबाज भाई भी आ गए और गाड़ी है, देखिए मुड़ गया, अभी निकलते हैं सर से। अभी शेख बरम हम दरगाह पे आए हुए थे, तो अंदर जैसे कि कैमरा अलाउड नहीं है तो इसलिए हम अंदर कैमरा लेके नहीं गए। ये लंगर खाना है, लंगर खाना, लंगर खाना। तो आप यहाँ पे कितने टाइम से हो? कितने जी, मेरा पहला बाप सेवा करवाना होता। अच्छा, ते उन 30-32 साल हो गए पूरा है जी, हूँ उस बाद अं लगते हैं सेवा करवा। तो मेला मेला लगता होंगे जी अंदर जी, अंदर ही लंगर लगता होंगे, वो भी आते पाकिस्तान वाले भी आते होंगे, अपने भी आते होंगे। अच्छा, पाकिस्तान वाले भी आते हैं? बारी 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 दरगाह के ऊपर बारी अपने डाक के उन्होंने मत्था टका के। अच्छा, फिर अपने टेक दे, फिर वो टेक दे। अच्छा, तो इस टाइम चढ़ावा चढ़ता है वो बीएसएफ दे बस होता है। तो पाकिस्तान के जो लोग हैं अभी भी आते हैं वो? मतलब ना, हुन नहीं आने देते, हुन नहीं ना, इन्हों आप भी दरगाह तो आप दी हाथ जो मत्था टेक के पीछे चले जाते। अच्छा, दरगाह के अंदर नहीं आएंगे? ना, अंदर नहीं आएंगे। तो इसके बारे में और कुछ दरगाह के बारे में आपको मालूम? नहीं जो, और आप हड्डी जमण तो कई सदियां पहले की पुरानी दरगाह है, बहुत पहली ना, बहुत पुरानी है, ते गुरु नानक वेले दी है। अच्छा, हाँ, और ते सेवा ग्राउंड है बस, इत जो दाल फुलका चलता खीदनी वीरवार। अच्छा, सौन च खीरले वीरवार मेला होंदा जी, फगन दे खीरले वीरवार मेला होंदा। ते हफ्ते च एक दिन ही ओपन होंदी है दरगाह? हाँ, हफ्ते वीरवार ते वीरवार गेट खुलता। तो क्या टाइमिंग रहती है, मतलब ओपन सुबह तो लेके शाम दे 5 बजे तक, सुबह से लेके शाम के 5 बजे तक? 5 बजे तक। तो यहाँ जो लंगर खाना है ये डेली हमेशा 24 घंटे रहता है या? नहीं जी, एक ही दिन ही रहता है, हफ्ते में एक दिन होता है। तो जो के ये इस तरह जो मेला होता उदो फिर 3-4 दिन चलता। अच्छा, मेले के दिन मेला कौन सी तारीख को रहता है? सावन के अखीरले वीरवार। अच्छा, हाँ, तो देखिए फगन के अखीरले वीरवार। अच्छा, आपका नाम क्या है भाई? मेरा नाम मनप्रीत। अच्छा, क्या बताना चाहिए आप कुछ, आप कब से यहाँ? मैं तो अभी आज मत्था टेकने आया। हाँ जी, कहाँ से आए? मैं संगरूर से आया। संगरूर से जी। अच्छा, आपका नाम क्या है? आप सतनाम सिंह जी। अच्छा, आप यहीं रहते? मैं पिंड। आप यहाँ क्या करते हैं? बस बाबे जो संगत आती है जी, उसको लेके उन्हें सवारी में। सवारी आपकी? अच्छा अच्छा, वहाँ से लेके यहाँ तक कितना भाड़ा है? 10 रुपए। 10 रुपए एक सीट का? हाँ जी, हाँ जी, एक सीट एक सवारी का 10 रुपए। हाँ जी। अच्छा, आप भी वही है माँ? जी जी। तो, अच्छा, क्या नाम है आपका? आपका नाम बंसा सिंह नाम है। अच्छा, तो ये सभी लोग यहाँ जो बहुत साडा इन्हां नाल। अच्छा, दरगाह पे माथा टेकने को आए? साडे पिंड दा बंदा मोटर नाल इन्हां सवादा भी है। तो आगे तो पर साडा इक्को ही मतलब जी, आगे परमिशन नहीं वीडियो बनाने की, तो इसलिए हमने यहाँ वीडियो बनाए। तो आप कभी आए पंजाब के एरिया में तो इस तरफ आना चाहिए आपने, जो हमारे हाफी साहब भी हैं यहाँ, हाफी साहब से भी थोड़े बात करेंगे हम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप ही साहब यहाँ आके कैसा लग रहा आपको? जी माशाल्लाह, बहुत खुशी हो रही है। काफी दिन से जो है ये ख्वाहिश आई थी जो है अपने बुजुर्गों के दरगाहों को देखें, आज अल्हम्दुलिल्लाह ये सआदत हासिल हुई। आज इस दरगाह पे गए, काफी पुरानी जो निशानियाँ हैं हमारे बुजुर्गों की वो यहाँ पर नजर आई, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हुई इससे। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप भी पहले आ चुके हैं यहाँ? मैं पहली बार आया। पहली बार आए? काफी दिनों से तमन्ना थी आने की। अच्छा, लेकिन हमारे मौजूद अभी शहजाद ने लेके आए, इनका बहुत एहसान है कि मैंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों चीजें इकट्ठी दिखा दी। अच्छा, ये खेत भी यहाँ पे? आपने खेत भी देखे वहाँ के? वहाँ खेत भी देखे, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, किसान जो काम कर रहे थे वो भी देखे? जी, मैं भी देखा। तो हम भी बता सकते थे पर परमिशन नहीं थी हमको बताने की,
तो इसलिए हमने वीडियो यहाँ से जो लंगर खाने से स्टार्ट किए वीडियो, और यहाँ के लोगों से भी बात की है। इस तरह लंगर खाना है, देखिए जो खाना है। तो उस तरफ जो पाकिस्तान की खेती है जो नज़र आ रही है थोड़ी थोड़ी, क्योंकि परमिशन नहीं है उधर वीडियो निकालने की, इसलिए हम बता नहीं सकते आपको। पर यहाँ का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा रहता है, क्योंकि सामने जो किसान नज़र आते हैं, थोड़ा जूमिंग करके बता सकता मैं आपको। ये देखिए हल्का हल्का जो एक किसान दिख रहा है पाकिस्तान का। तो ये लंगर यहाँ लगता है। ये सभी बच्चे भी छोटे छोटे, इधर देखो बेटा, इधर देखो, देखो देखो इधर, कहाँ जाता है, बाय करो बाय। तो देखिए इस तरफ जो दरगाह शरीफ को देख के, तो माशाल्लाह उसी का वीडियो हम आपको बताने वाले। तो ये लोग हैं यहाँ जो पंजाबी में मालूमात भी है, जो वो बोर्ड बताने वाले आपको हम। ये थे दरगाह के अंदर, दरगाह के अंदर गए। तो कैसा लगा वहाँ पे, और आप कितने टाइम से यहाँ पे दरगाह के अंदर आते हो? माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। अच्छा, तो पहली दफा यहाँ पे आए हैं। अच्छा, पहली बार आप आए हो यहाँ दरगाह पे? हम पहली बार आए हैं। तो बाकी क्या दुआ वगैरह की, कहीं हमारे शाह भाई के लिए भी दुआ की कुछ के, उनके जो वीजा इशू आ रहे हैं, शाह भाई के भी लिए भी दुआ की के उनके जो मुश्किलें हैं अल्लाह ताला उनको दूर, दूर करे, करे दूर। अच्छा। पर मदीना है तो ये बा मक्कतुल मुकर्रमा की ज्यारत उनको जो है, आमीन, जो रुकावटें हैं वो जल्दी से जल्दी दूर होकर, आमीन, उनको ज्यारत हराम शरफ नसीब हो, आमीन आमीन। तो बाकी आप कहाँ से हो? हम जिला होशियारपुर से, पंजाब से ही हैं। पंजाब से? ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है? ये तरन तारण है। तरन तारण डिस्ट्रिक्ट है या फिरोजपुर है? ये तरन तारण डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, तरन तारण डिस्ट्रिक्ट में आता है ये ना? जी। अच्छा, तो आपने देखे वहाँ जो पाकिस्तान के लोग जो खेत के अंदर काम कर रहे थे, वो देखे आपने? नहीं, हमने क्या वो नहीं देखे, हम दूर से देखे, अब ये नहीं पता कौन थे, मगर दूर से देखे, दूर से देखे काम। अच्छा, दरगाह पे आप जब माशाल्लाह दरगाह पे आए, जब दरगाह पे आए आप, तो इससे पहले भी अपनी मुलाकात हुई माशाल्लाह, जो शाह भाई से मुलाकात करने के लिए आए थे, मुलाकात के अंदर शायद मुख्तसर मुलाकात हुई, जिस तरीके से हम चाह रहे थे वैसे मुलाकात नहीं हो पाई। अच्छा, मुख्तसर चलते चलते मुलाकात हुई। तो माशाल्लाह अभी भी चाना से आपको ना मुलाकात करने का, क्योंकि शिहाब भाई अभी तक आफिया किड स्कूल में वहाँ मौजूद है। जी जी, पिछली बार भी हम शिहाब भाई से मुलाकात करने के लिए आए थे जब, तो उस दिन भी हमारा इरादा था यहाँ आने का, तो हम रास्ते से, क्योंकि जुमारात के अलावा ये दरगाह नहीं खुलती है। अच्छा, तो हम रास्ते से वापस चले गए खीमकरण के पीछे से। अच्छा, तो फिर आज हमने जो है प्लान बनाया हुआ था पहले से कि हम जो है जुमारात के दिन किसी दिन हाजिरी देंगे जी। और शिहाब भाई से तो वैसे यूट्यूब वगैरह में देखते रहते हैं, और बीच में रब्ता भी हो पाया था कि स्कूल में मुलाकात का टाइम भी मिला था, मगर मसरूफियत की बुनियाद पर हम आ न सके। तो हम अल्लाह ताला की बारगाह में यही दुआ करते हैं कि शिहाब भाई की जो मुश्किलें हैं अल्लाह ताला दूर करे, आमीन आमीन। और जो है जो हमारे पड़ोसी हुकूमत वाले हैं उनसे भी यही अपील करते हैं कि उनको वीजा मुहैया किया जाए, आमीन। अस्सलाम वालेकुम, आपका क्या नाम है? हाजी शेर। अच्छा, कहाँ से हो आप? होशियारपुर। होशियारपुर से। अच्छा, शिहाब भाई से मुलाकात की है आपने? किया। कितने बार किए? एक दफा की। तो माशाल्लाह अभी भी शिहाब भाई आफिया किड स्कूल में मौजूद है, तो आप भी मिल, अभी मुलाकात अच्छे से मुलाकात हो रही, वहाँ जाके मिल सकते हैं, करेंगे इंशाल्लाह। तो माशाल्लाह आपने दरगाह शरीफ में आए ज़ियारत करें यहाँ, तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, पहली बार आया? पहली बार है। तो पहली बार आया, हमने बात की है चाचा से, तो बने रहे हमारे साथ, पूरी मुकम्मल जानकारी आपको हम देने वाले, क्योंकि यहाँ पंजाबी में वोट लिखे हुए, पंजाबी तो नहीं आती है, अगर आपको आती तो उसकी जानकारी देने वाले हम। इस तरफ जो पंजाबी में लिखे हुआ है, आपको अगर आती तो जानकारी हासिल कर सकते हैं आप। तो तीन वोट है यहाँ, जो पहला वाला बताया आपको हमने, ये दूसरे वाला है, तो इस तरफ जो पेंचिंग नजर आ रही है आपको, इस तरफ पाकिस्तान है, जो सामने जूमिंग करके बता रहे हैं आपको, उस तरफ जो पाकिस्तान है, और दरगाह शरीफ भी उसी तरफ है। ये देखिए इस तरफ से, ये क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं चक्का।
अच्छा ये देखिए इस तरफ तो दुकान भी है यहाँ पॉपकॉर्न की, और उस तरफ जो इस तरफ जो खेत नजर आ रहे हैं पाकिस्तान के खेत है क्या? जीरो लाइन है, जीरो लाइन है, जीरो लाइन से आगे। अच्छा एक बार दरगाह का नाम बता दी फिर से हमारे जो देखने वालों को। हाँ ये पीर बाबा की दरगाह है, शेख ब्रह्म, शेख ब्रह्म पीर बाबा की दरगाह है, शेख ब्रह्म की। अच्छा शेख ब्रह्म की जगह। तो इस तरफ सभी दुकानें आपको जो भी लेना चाहे यहाँ से ले सकते हैं आप। जो खाला से भी बात करें हम, क्या नाम है आपका? अच्छा आप यहीं रहते? अच्छा यहाँ दुकान लगाते? तो ये दुकान लगाते हैं यहाँ, जो भी लेना चाहते हैं यहाँ आके लेना चाहिए आपने आए कभी तो। ये देखिए इस तरफ तो सभी दुकान है, इस तरफ पार्किंग है और उधर वहाँ जवान उस तरफ रहते हैं। तो जितनी भी आपको एरिया नज़र आ रहा है, मिठाई फल्ली मूंगफल्ली सभी यहाँ रहते हैं। अच्छा बाबा क्या नाम है आपका? अच्छा यही दुकान लगाते आप? तो बाबा यही दुकान लगाते। देखिए इसमें मक्का है, ये चना है और अलग अलग आइटम है, दाल है, छोले है, मिठाई है, मूंगफली है, मुरमुरा है। अच्छा सर, अच्छा ही गोलगप्पा। तो सभी ये जो यहाँ दरगाह के ऊपर जो शिरनी लेके जाते हैं यहाँ से सभी दुकानें आपको बता रहे हैं हम। ये देखो तो उस तरफ जो परमिशन नहीं है वीडियो निकालने की, तो हम इसलिए आपको इधर बता रहे हैं। ये हमारी गाड़ी में, जो गाड़ी में आए हम, ये इधर दुकान है और ये रास्ते से जाना। ये मोर्चा सामने नजर आ रहा है, कंट्रोल लाइन मोर्चा। अच्छा आप साहब ये मोर्चे में कोटिया बनी हुई है ना। तो माशाल्लाह इसके बाद का बहुत ही खास वीडियो होने वाला है, वीर अब्दुल हमीद की मजार बताने वाले हैं और उसी के बारे में पूरी मुकम्मल जानकारी देने वाले। तो बने रहे हमारे साथ, अजंता न्यूज को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो कमेंट में कैसा लगा ये बिल्कुल आपको बताना चाहिए।